हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 10 की, जिसमें लगा हुआ है FRP लॉक। तो इस लॉक को कैसे खोलते हैं, तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। दोस्तों इसमें क्या है, यानी कि लेटेस्ट सिक्योरिटी है दोस्तों। पहले क्या था, यानी कि पैटर्न बना के जो हम FRP बाईपास करते थे, वो अब नहीं होने का। दोस्तों आपको बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखना। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखें दोस्तों, हमें सबसे पहले अपना फ़ोन जो है वाईफाई नेटवर्क से यानी कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये क्या है, यानी कि पैटर्न, और दोस्तों यानी कि गूगल अकाउंट दोस्तों ये मांग रहा है। यानी कि हमारा फ़ोन जो है, यानी कि हार्ड रिसेट लगा हुआ फ़ोन है, इसमें गूगल अकाउंट डाल देंगे तो फ़ोन खुल जाएगा, वरना हमारा फ़ोन नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये गूगल अकाउंट मांग रहा है, इसका हमें पता नहीं है। तो आपको बैक करना है, रेडमी नोट 10 फ़ोन है दोस्तों, अभी बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी है इसमें, इसे बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको वाईफाई पे आना है। वाईफाई पे आने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे ऐड नेटवर्क का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ इस पर जाना है। हाँ दोस्तों, फिर आपको कुछ भी लिख लेना है। कुछ भी लिखने के बाद दोस्तों आपको इस फिर इस पर क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ दोबारा से, यानी कि इस पे सारे पे यानी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ शेयर का ऑप्शन साइड में आ जाएगा। इस पर फिर जाने के बाद दोस्तों जीमेल पे यानी कि दबाए रखना है इसे। फिर आपको नोटिफिकेशन पर जाना है। फिर यहाँ आपको नीचे जाना है एडिशनल सेटिंग में। फिर दोस्तों यहाँ 3 डॉट में जाना है। फिर हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन दोस्तों आपको मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ सर्च में लिखना है, यानी कि आपको डी दबाना है यहाँ। तो मैं डी दबा लेता हूँ। फिर दोस्तों आपको डिलीट और डिसेबल ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा सबसे ऊपर। फिर दोस्तों यहाँ एक नंबर पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ इस पर क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे जो फ़ोन के ऐप्स होते हैं सारे, वो यानी खुल जाएंगे। तो फिर यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ सेटिंग का ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले अपने फ़ोन के यानी कि सेटिंग में जाना है। तो मैं सेटिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर ओपन करना है सेटिंग को। फिर यहाँ सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब नीचे आना है एडिशनल सेटिंग में। मैं एडिशनल सेटिंग में चले जाता हूँ यहाँ। फिर यहाँ इस पर जाना है। फिर दोस्तों यहाँ ये ऑन करना है, अलाउ कर देता हूँ मैं इसे। ओके, देख सकते दोस्तों ये आ चुका साइड में इधर गूगल असिस्टेंट। इसे बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों अब वहीं एप्स में आना है जहाँ दोस्तों हम पहले थे। बैक करना है, और आपको फिर बैक करना है यहाँ से। फिर बैक करना है दोस्तों यहाँ। दोस्तों यहाँ हमारी जो एप्लीकेशन है, यानी कि एन एप्लीकेशन पे आना है, जो फ़ोन की एप्लीकेशन होती है दोस्तों। एप्लीकेशन होने के बाद दोस्तों यहाँ मोर पे जाना है। फिर दोस्तों यहाँ शो सिस्टम पे यानी क्लिक कर देना, यानी कि और जो एप्लीकेशन थी सारी वो आ चुकी है। फिर दोस्तों आने के बाद दोस्तों एंड्रॉयड सेटअप पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान ध्यान से देखना, इसे फोर स्टॉप कर देना है और इसे डिसेबल कर देना है, यानी कि फिर बैक करना है। फिर बैक करने के बाद दोस्तों नीचे आना है। फिर नीचे एंड्रॉयड सेटअप को भी यानी कि इस पर क्लिक करना है एंड्रॉयड सेटअप पे। फिर इसे फोर स्टॉप करना है यहाँ। तो मैं इसे फोर स्टॉप कर लेता हूँ, ये डिसेबल नहीं होगा। तो बैक करना है, तो बैक करने के बाद दोस्तों अब नीचे आना है। यानी कि नीचे आने के बाद दोस्तों अब अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ, ये वाला दोस्तों कैरियर सर्विस का, इसे यानी कि फिर इसे फोर स्टॉप करना है और इसे भी डिसेबल करना है, यानी कि इसे भी बंद कर देना है। बंद करने के बाद दोस्तों आपको बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों गूगल प्ले सर्विस पे यानी कि जाना है आपको। तो मैं चले जाता हूँ सबसे नीचे शायद। ये रहा गूगल प्ले सर्विस नीचे, और इसे भी फोर स्टॉप करना है और इसे डिसेबल करना है फोर। तो फिर आप बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों यानी कि ये काम हो चुका है, बैक करना है आप सारा यानी कि फ़ोन। दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है। दोस्तों यहाँ जो हमने यानी कि बंद करा है वो आपको बंद करना है। फिर बंद करने के बाद दोस्तों यहाँ बैक करना है। बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब क्या होगा, यानी कि ये आगे नहीं बढ़ने का दोस्तों, यहीं घूमता रहेगा जस्ट ए सेकेंड, यानी कि यही आता रहेगा दोस्तों, चेकिंग फॉर अपडेट आएगा या जस्ट ए सेकेंड आएगा दोस्तों। अब करना क्या, यानी कि आपके फ़ोन में भी यही है, तो आपको नीचे जो हमने ऑन करा था सेटिंग में जाके, देखना दोस्तों यही आता रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ने का फ़ोन। तो अब बिल्कुल भी यहाँ देखो इस पर क्लिक करना है। फिर गूगल असिस्टेंट पे आपको यानी कि ओके करना है। ओके फिर दोबारा कर लेता हूँ मैं। यहाँ सेटिंग आ जाएगी फिर दोस्तों, यानी कि जब तक करना है आपको सेटिंग पे क्लिक करना हो एक बार। सेटिंग आने के बाद तो मैं फिर ट्राई करता हूँ, ये सेटिंग आ जाएगी। फिर सेटिंग आने के बाद दोस्तों अब करना क्या, यानी कि एक बार क्लियर डाटा, यानी कि यहाँ से एक बार क्लियर डाटा, यानी कि क्लियर डाटा कर देना है, यानी कि यहाँ से एक बार ओके। फिर आपको बैक करना है। फिर करने के बाद दोस्तों आप बिल्कुल फिर यहाँ जाना है। फिर इस पर आप ट्राई करना है, यानी कि फिर एक बार और सेटिंग पे जाना है। अभी ये सेटिंग जल्दी नहीं आएगी, तो आपको बार बार ट्राई करना है। मैं फिर कर लेता हूँ गूगल असिस्टेंट पे। फिर करना है आपको ट्राई, तो देखो दोस्तों सेटिंग आ गई, क्लिक नहीं होने का। तो आपको
करना है जब तक आपको फ़ोन यानी कि क्लिक ना हो जब तब आपको करते रहना है। तो मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो देखें दोस्तों ये आपको सेटिंग आएगी इस पर, यानी कि जब तक आपके अब भी क्लिक नहीं हो रहा फिर आप ज़्यादा बार करेंगे तो यानी कि एक बार आपका ज़रूर क्लिक होगा। तो आपको बिल्कुल करना है, कभी आप एक दो बार करें और आपका नहीं हो तो आप बिल्कुल बैक हो जाएँ। तो आपको बिल्कुल दोस्तों यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल आपको करना है यानी कि ट्राई करना। और दोस्तों आपको सेटिंग आ जाएगी, फिर सेटिंग आने के बाद दोस्तों देखना आ चुका है, फिर इसे यानी कि गूगल प्ले सर्विस को यहाँ से इनेबल कर देना है। एक बार इनेबल कर देना फिर यहाँ से क्लियर डाटा यानी कर देना, फिर ओके। अब दोस्तों हमारा फ़ोन आपको बैक कर लेना है, बस दोस्तों ये काम था बैक करना है और हमारा फ़ोन बिल्कुल दोस्तों यानी कि ओके अब हो जाएगा। फिर देखें दोस्तों यानी कि आगे अब बढ़ चुका है यहाँ से, अब इसे मोन मोन यहाँ से कर लेना है। हमारा फ़ोन में जो दोस्तों यानी कि FRP यानी कि जो लगी हुई थी अब वो दोस्तों यानी कि रिमूव हो चुकी है, यानी कि हमारा फ़ोन बिल्कुल दोस्तों ओके हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखें दोस्तों मैं अब इसका सेटअप यानी कंप्लीट कर लेता हूँ, इसे यहाँ स्किप कर देना है और इसी तरीके से आपको अपना फ़ोन यानी सही करना है। दोस्तों अगर आपको फ़ोन में कहीं प्रॉब्लम आती है जरूर हमें कमेंट में बताएं, और दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वीडियो देखना, आपका दिन शुभ हो।